तो गजा में युद्ध या शांति, या फिर यहां पर सीज फायर देखने को मिलेगा, या फिर एक और खाड़ी युद्ध। सबके दिमाग में, सबके मन में यही सवाल है कि क्या यहां पर कभी शांति हो पाएगी और शांति के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। युद्ध किस तरह से आगे बढ़ा है, टेंशन का माहौल किस तरह से मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में जो मध्य पूर्व है, जिसमें इसराइल है, ईरान है या फिर गजा है, यहाँ पर क्या कभी शांति होगी, क्योंकि शांति वार्ता चल रही है, या फिर आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये शांति वार्ता बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो रही है और यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति अब बन गई है पूरी तरह से। देखिए, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस समय काहिरा पे है, जहाँ पे एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में ये तय हो जाएगा कि अब मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी या फिर तीसरा खाड़ी युद्ध होगा। सिर्फ ऑप्शन दो ही बचे हुए हैं। देखिए, काहिरा में जो बैठक हो रही है, इसमें अमेरिका, कतर और इजिप्त, ये तीनों मध्यस्थता कर रहे हैं। इसमें इसराइल के प्रतिनिधि शामिल होंगे और हमास की तरफ से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसमें देखिए, अभी कुछ दिनों पहले दोहा में एक बैठक हुई थी जिसमें बताया जाता है कि एक सीज फायर कैसे हो, कैसे जो हमले हैं गाजा में रोके जाएं, इसको लेके एक बड़ा एक रूपरेखा तैयार हुई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो इसराइल पहुंचे और वहां से उन्होंने ये संदेश दिया कि भाई ये आखिरी मौका है यहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा हमने चर्चा भी की थी कि एंटनी ब्लिंकन जब इसराइल में थे, उसी दौरान इसराइल ने गाज़ा में दो जगह बड़े ज़बरदस्त हमले किए। एक हॉस्पिटल की कुछ बिल्डिंग का हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हुआ, वहाँ पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। और ऐसे ही बताया जा रहा है कि जो इस्माइल हनिया थे, इनके कुछ सुरक्षा गार्ड्स थे जिन पे हमला किया गया, जिनको निशाना लेके हमला किया गया और 8 लोगों की शायद उसमें मौत हुई। तो देखिए, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो इसराइल की तरफ से गाजा में जबरदस्त बमबारी हो रही है। तो अब अगले 48 घंटे नीलू ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें शायद इस बात का जवाब मिलेगा कि क्या गाजा में सीज फायर को लेके इसराइल और हमास दोनों एक बिंदु पे आके सहमत होते हैं और या फिर तीसरे खाड़ी युद्ध की तरफ ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। ठीक है, देखिए, पहला शांति वार्ता जब हुआ था तो उसका कोई बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया था। अब काहिरा में जो शांति वार्ता होनी है, अमेरिका अपनी तरफ से पहल कर रहा है, लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए या फिर अगर हमास की बात की जाए, तो पिछले में हमने देखा था जब शांति वार्ता हुई थी वहां पर हमास का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था, ऐसा इसराइल का कहना है। इसराइल ने अपनी तरफ से प्रतिनिधि दिया, लेकिन आप कहना ये है हमास का कि देखिए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल नेतन्याहू के बात करते हैं कि बार बार कोई कुछ ऐसी शर्तें रख देते हैं जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही है। यानी ये जो बात है ये कहीं ना कहीं एक जगह पर रुकी हुई है और ये बात आगे बढ़ाने के लिए अब आपको लगता है कि क्या करना होगा ऐसा कि बात आगे बढ़े, क्योंकि देखिए गजा के लोग भी अब कह रहे हैं कि हम अब इन हमलों से त्रस्त आ चुके हैं, अब कोई बीच का रास्ता यानी शांति वार्ता होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखिए, करीब 10 महीने हो चुके हैं गजा में जो ये हमले हो रहे हैं और गजा में जो संघर्ष चल रहा है, इसको करीब 10 महीने हो चुके हैं और 40,000 से ज्यादा लोगों की बताया जाता है कि गजा में मौत हो गई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब आप देखिए इस्माइल हनिया की जब हत्या की गई, इस्माइल हनिया की मौत हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो फौरन इसराइल पे हमला कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीलू, एक आप देखिए कि पिछले हम अगर 20-25 दिनों की बात करें अगर, तो एक नई स्ट्रेटजी इसराइल को लेके दिखाई दे रही है हिजबुल्ला और ईरान की। आप देखिए, हिजबुल्ला ने तीन तरफ से, तीन तरीके से इसराइल को निशाना बनाया। सीधा वॉर करने की जगह ईरान सीधा हमला करे, इसकी जगह एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई। इनके जितने प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, हमास हो, ये सब एक्टिव हुए और हिजबुल्ला का भी अटैक करने का तरीका बड़ा यूनिक था कि जैसे इन्होंने सबसे पहले जो है वो रॉकेट्स और मिसाइल से हमले हुए इसराइल पे जो है वो आपने देखा कि पहले ऐसा नहीं होता था कि रॉकेट्स जो है इसराइल पे गिरे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ। फिर दूसरा तरीका था कि ड्रोन अटैक किए गए, बहुत सारी संख्या में ड्रोन जो है वो इसराइल के अंदर पहुंचे और उसके ज़रिए हमले हुए। और फिर एक तीसरी जो नई रणनीति जो पिछले कुछ दिनों में दिखाई दी है कि हिजबुल्ला और हमास की तरफ से फिदाइन अटैक की कोशिश हुई। कई जगह से खबरें आई कि फिदाइन जो है वो इसराइल में कई शहरों में हो सकते हैं और तेल अवीव में तो एक धमाका भी करने में वो सफल हो गए। तो देखिए, हिजबुल्ला ने, ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने
एक बाकायदा प्लानिंग तैयार की इसराइल के लिए, इसराइल के खिलाफ कैसे हमले करने हैं, जिसमें बहुत हद तक जो है इसराइल उलझा हुआ भी दिखाई दिया। देखिए कोई सीधा युद्ध तो ईरान ने नहीं किया, लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत इसराइल को सीधा युद्ध कोई चाहता भी नहीं। मैं सबसे बड़ी बात है कि सीधा युद्ध चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या फिर मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्री हो, कोई नहीं चाहता कि सीधे युद्ध में जाए। इसलिए एक तरफ बात हो रही है युद्ध की तो दूसरी तरफ शांति की भी बात हो रही है। देखिए अब क्या हुआ कि ईरान की तरफ से, ईरान की प्रॉक्सीज की तरफ से जब, खासकर हिजबुल्ला की तरफ से जब इसराइल पे हमले हुए, तो इसका जवाब भी इसराइल की तरफ से दिया जाने लगा। और इसराइल ने एक बड़ा हमला किया है लेबनान में, जहाँ पे हिजबुल्ला के दो तीन ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और वहाँ पे एक बड़े कमांडर हैं हिजबुल्ला के, उनकी भी मौत हो गई है। और देखिए जिन बेस जहाँ पे हथियार रखे गए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि इसराइल जो है जिन रॉकेट्स और मिज़ाइल, ये दो चीज़ें जो हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं इसराइल को, हिजबुल्ला के जो रॉकेट्स हैं मिज़ाइल हैं जो लगातार फायर हो रहे हैं, तो अब इसराइल ने कि इन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां पे हिजबुल्ला के ये हथियार रखे हुए हैं। हाँ, देखिए और यहां सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ हिजबुल्ला पर ही इजराइल वार नहीं कर रहा है, बल्कि हिजबुल्ला भी लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं वो अब वहां से पलायन कर रहे हैं। यानी उनको भी डर है कि कभी ऐसा ना हो कि इराक की तरफ से वहाँ पर हमला कर दिया जाए या युद्ध छेड़ दिया जाए। तो इसराइल के लोग भी अब मेंटली प्रिपेयर से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए ठीक कह रहे हैं कि इसराइल में आप देखिए इस्माइल हनिया की हत्या के बाद से जो है वो लगातार एक ये संभावना हमेशा बनी हुई है कि अब युद्ध हुआ तब युद्ध हुआ, तो ये इसराइल के लोगों के ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर की तरह काम कर रहा है। खासकर जो बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, यहाँ की जनता बहुत परेशान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लोगों ने जैसा आपने बताया कि ये बॉर्डर से जो है पीछे की तरफ आना इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में, हर शख्स के दिमाग में ये खतरा है कि भाई कभी भी ईरान हमला कर सकता है या कभी भी एक बड़े स्केल का वॉर हो सकता है या तीसरा खाड़ी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक ही मेंटल गेम चल रहा है नीलू, जिसमें जो है इसराइल पे तो मतलब गाजा में तो जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही जो है इसराइल के लोग भी काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं। तो देखिए आप ये जो पूरी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बनी हुई है, इसमें जो जनता हो, चाहे वो हम लेबनान की बात करें, चाहे वो हम गाजा की बात करें, चाहे इसराइल की, जनता सब तरफ से परेशान है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब देखिए अभी जो पिछले हमले लेबनान में किए इसराइल ने, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है। अब उसके बाद जो है आगे ये पूरा मैटर जो है ये किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या अगले 48 घंटे में काहिरा से किसी सीज़ फायर की या युद्ध विराम की कोई खबर आती है, क्या इसको लेके कई सवाल हैं, क्या इसको लेके इसराइल और हमास दोनों कोई एक ऐसे बिंदु पे पहुंचते हैं जिसमें दोनों सहमत हो, ये जो है ये निर्णायक साबित होगा कि आगे ये पूरा मैटर कैसे बढ़ता है। अच्छा दूसरी एक चीज़ ये है कि एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है कि यहाँ सीज़ फायर हो जाए, लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो अमेरिका ने बहुत बड़ा फोर्सेस का अपना डिप्लॉयमेंट, चाहे वॉरशिप्स हो चाहे नेवी हो, माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी करीब आधी उसकी जो नेवी है वो पूरी की पूरी भूमध्य सागर में, रेड सी में, ओमान की खाड़ी में भेज दी है। तो आप देखें चाहे अब्राहम लिंकन, इनका जो वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, उसकी बात हो, चाहे यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट जो है इसको इन्होंने ओमान की खाड़ी में तैयार रखा हुआ है, इसी तरह से कई न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ हैं वो भी अलर्ट पे हैं। तो आप देखिए अमेरिका ने अपना बड़ा ह्यूज फोर्सेस डिप्लॉयमेंट भी यहाँ कर रखा है। अब देखिए हो ये रहा है जो मुझे लग रहा है कि शांति वार्ता तो हो रही है, लेकिन विश्वास वाली कमी जो हम कल भी हम कह रहे थे, एक बात है जो अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है और मध्यस्थता की भूमिका में दिखाई दे रहा है ताकि जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको खत्म किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी तैनाती भी अलग अलग जगहों पर मयंक कर रहा है। तो इसलिए अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर वो चाहता क्या है, क्या मध्यस्थता, शांति या फिर युद्ध। देखिए असल में जो आप कह रहे हो इसका जवाब जो है वो असल में ये है कि देखिए दोनों सिचुएशन हो सकती है। एक तरफ तो ये भी है कि हो सकता है शांति वार्ता अगर आगे बढ़ती है तो सीज़ फायर को लेके कोई फैसला हो जाए, या दूसरी तरफ ये भी संभावना, मतलब ये आशंका है कि हो सकता है कि तीसरा खाड़ी युद्ध भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर इसराइल पे, मान लीजिए इसराइल पे बड़ा हमला होता है ईरान की तरफ से, या हूती की तरफ से मिज़ाइल्स फायर होती हैं, या हिजबुल्ला की तरफ से मिज़ाइल्स फायर होती हैं, और अगर इसराइल को घेर कर अगर हमला किया
किया जाता है, ऐसी स्थिति में अमेरिका उसके बचाव के लिए खड़ा है, ढाल की तड़क है। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने बड़ा साफ ये बयान दिया है कि भाई अगर युद्ध की स्थिति होती है तो अमेरिका जो है मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो अमेरिका पे एक तरफ ये भी है कि उसे भाई इसराइल की रक्षा करनी है, तो वो अपने प्रिपरेशन में भी है, अगर युद्ध होता है तो क्या करना है, इसकी स्ट्रेटेजी इसराइल की बिल्कुल साफ है। और अगर शांति वार्ता आगे बढ़ती है, देखिए पूरे दुनिया की हमने जो कल चर्चा की थी कि दुनिया में अर्थव्यवस्था इस हालात में है कि एक युद्ध को फिर अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि शांति अगर हो जाती है, अब इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, क्या इसराइल नेतन्याहू इसके लिए तैयार होते हैं, हमास जो है वो कितनी शर्तें पे जो है वो स्वीकार करने को राजी है, और तीसरी और एक और बड़ी चीज़ ये भी है कि आप देखिए कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं या जो राष्ट्र इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, इनकी भी भूमिका बड़ी अहम है नीलू, मतलब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एक विश्वास कायम करने की, हमास और इसराइल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा मिड पॉइंट होना चाहिए जिस पे आके थोड़ा सा जो है गर्म हालात जो है वो थोड़े से कम हो, ताकि एक शांति वार्ता की तरफ मामला आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे जो हैं ये इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, तो काहिरा में जो शांति वार्ता हो रही है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन बात नेतन्याहू की हो रही है या फिर बात हमास की हो रही है, गाज़ा की हो रही है, और ख़ास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए, हिजबुल्ला की बात की जाए, तो उनका कहना है कि जब तक गाज़ा में बमबारी इसी तरह से होती रहेगी, जब तक वहाँ के लोग मारे जाते रहेंगे, तब तक शांति का सवाल ही नहीं उठता है। अब देखना होगा इस शांति वार्ता के क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। हमारे साथ बने रहिए।